संगम पर बाबा आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, तले बाबा समान आम पिला मन को खुदा जे कि परमात्मा अटन थे परमात्मा कर सहयोगी बनवार अच्छे बनी बाबार राइट हैंड सब बनी तो बाबा की संगम पर बाबा आते तुम बच्चों की खिदमत कर। संगम जुग रे भगवान आसते आमर पिला मन कर सेवा में से सेवा रे आमे मध्य बाबा को संपूर्ण रूप से सहयोग दबा। प्रश्न है यह पुरुषोत्तम संगम युग है सबसे सुहावना है और कल्याणकारी है कैसे? ये पुरुषोत्तम संगम युग सबुट सुंदर भी अटे तो कल्याणकारी भी अटे केमिति कौन कह बाबा का आंसर संगम युग रे पुरुषार्थ करते आई कल्याणकारी तो बाबा कहे इस समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। इस संगम रे समय रे स्त्री और पुरुष स्त्री पुरुष भीतर के अवश्य आत्मा अवश्य आत्मा ही उत्तम बनुचे। यह संगम युग हे ही कलयुग का अंत और सत्युग के आदि के बीच का समय। संगम का अर्थ कलियुगर अंत सत्ययुगर जोटा आरंभ तार मध्य समय अटे आम मझीरे बर्तमान अच्छा कलियुग को मध्य देखुंते भविष्य सत्ययुग भी सामनार अच्छे अच्छे सत्ययुग सामनार देखा जाऊ। तो बाबा के इस समय ही बाबा तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते जहाँ तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा पिला मान पाई वर्तमान ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोली चंदे ये यूनिवर्सिटी रे हमें को पाठ पढ़ुंत मनुष्य रु देवता बनिया पाई ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी भी नहीं होती। एमती कर यूनिवर्सिटी पूरा कल्प रे केबे भी खोली थिला कि खोली न थिला इस समय सबकी सदगति हो जाती है। बाबा को जन एक कॉलेज रे जो मैंने पढ़ुंते से मानकर तो सदगति हो छे किंतु सारा विश्वर मुक्ति मिल जाऊ। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाबा को याद करते हो क्योंकि वो पतित पावन है उनको याद करने से पावन सतो प्रधान बनने के तुम्हारी एम है। तो बाबा कुछ नहीं थे बसी बसी कौन करते खाली तो साइलेंस रे बसी नहांते ना बसी कौन करते एक बाबा को मने पकोचते जो परमात्मा की पतित पावन अटंत बाबा को मने पकेले आत्मा पावन सतो प्रधान बने एटा हूँ आम लक्ष्य अटे ऐसे नहीं सतो तक एम है पिला मन को लक्ष्य कोटे सतो प्रधान हवा पर सतो प्रधान दुनिया कोटे सत्य युग अटे रजो प्रधान अवस्था को जीवार लक्ष्य ना सतो भी बनवार लक्ष्य ना लक्ष्य कोटे मत सत्य युग आसवर अच्छे सतो प्रधान हवार अच्छे। तो सतो प्रधान बनना है इसलिए क्या करना पड़ेगा? यदि सतो प्रधान हवार लक्ष्य अच्छे तले को पुरुषार्थ करेगा बाबा को जरूर याद करना है फिर स्वीट होम को भी याद करना है
केवल बाबा को मन पकेले हवने निजर मीठा घर को मध्य मन पकेबा क्योंकि वहाँ पर जाना है जो घर को जीवार अच्छे से घर को मन पकेबा दरकार तले परम धाम को मन पकोचंत हम मन पकोचंत तो बाबा के वहाँ जाना है फिर मालक मिल्कियत भी तो चाहिए धन संपत्ति भी दरकार तले धन संपत्ति कोठी अच्छे कोठी अच्छे परम धाम रे तो धन संपत्ति ना तले कोठी अच्छे तो बाबा के अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है। आज बाबा तीनटा को मन पकिया कहन एक तो बाबा मीठा बाबा जी की पतित पावन अटंते बाबा को मन पकेबा निजर मीठा घर को मन पकेबा मीठा राजधानी को मन पकेबा क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हम तो बाबा के बच्चे बने हैं बरोबर बाबा से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हमें बाबा रो संतान बने गल बाबा तो शिक्षा नवा आउ नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कौटी पहुँचवा स्वर्ग दुनिया रे। बाकी जो भी जीव की आत्माएं है वो तो शांति धाम में चली जाएगी। सारा विश्वर आत्मा मैंने तो स्वर्ग को जीवे नहीं लास्ट से मैंने कौटी जीवे परम धाम को जीवे। घर तो जरूर जाना है। बाबा कले मत चिन्हतु कि न चिन्हतु मु समस्त को मुक्ति दौर प्रत्येक आत्मा मन को घर को जीवार अच्छे। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी तो रावण का राज्य है इसके भेंट में सत्यु को फिर नाम दिया जाता है कौन सा। वर्तमान यदि रावण रो राजुति चलीचे आर तुलन रे सत्ययुग रो ना कोटा रहबा दरकार। राम का राज्य दो कला कम हो जाती है उनको सूर्यवंशी उनको चंद्रवंशी कहा जाता। जितने आत्मा सत्ययुग रे थिला षोहल कला संपूर्ण थिला सीढ़ी सूर्यवंशी बोले कहते आत्मार दी कला कम हो गला चौदह कला को आसीगला से दुनिया को कौन कहले तृतीया युग चंद्रवंशी कहले। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है वैसे यह भी एक ही डिनाइस्टी है। जमती क्रिश्चियन मानकर अद्वितीय राजत्व चलुचे सेमती सत्य तृतीया युगरे कार राजत्व अच्छे देवी देवता मान कर से दुनिया को गोटे राजत्व का कहवा। तो बाबा के परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है से अद्वित्व राज्य भीतर सूर्यवंशी आसिले चंद्रवंशी आसिले। यह बातें कोई भी शास्त्रों में तो नहीं है बाबा बैठकर समझाते जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापना हो गया फिर नॉलेज के तो दरकार ही नहीं है। स्वर्ग को जीवा पैठी पाठ पढ़ुचंत यदि आम स्वर्ग को गले तले ज्ञान आवश्यकता अच्छे कि पाठ पढ़ स्वर्ग दुनिया किसी ज्ञान आवश्यकता ना। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। ये सत्य ज्ञान शिक्षा मिलूचे को समय रे पुरुषोत्तम संगम युग रे तुम्हारे सेंटर पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाबा कहते प्रत्येक सेंटर रे म्यूजियम रे बड़ बड़ अक्षर रे लिखाई थी दरकार कौन लिखाई थी दरकार भाई आउ भोनी माने को जुग चली पुरुषोत्तम संगम युग जो एक ही बार आता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग केते थर आसे कल्परे थरे मात्र आस दुनिया रे पुरुषोत्तम मास मनाऊंटे
कार यादगार रे पुरुषोत्तम संगम युग स्मृति रे पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी तो नहीं समझते, यह भी लिखना है कलयुग का अंत और सत्युग की आदि का संगम है। तो संगम युग सबसे सुहावना भी है और कल्याणकारी हो जाता। सबुट सुंदर कल्याणकारी युग कोट संगम युग अटे। बाबा भी कहते मैं तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तले बाबा के तले आसते पुरुषोत्तम संगम युग रे। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया, वेश्याले का अंत शिवाले की आदि, इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। वेश्याले रा अंत शिवाले रा आरंभ आपको कहा जाए पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब विकारी है वहाँ सब निर्विकारी है। कली युग को देखुचे सत्य युग को देखिले, कली युग रे समस्ते विकारी और सत्य युग रे समस्ते निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना, तले उत्तम कहा को कहवा निर्विकारी को। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम है पुरुषोत्तम। स्त्री और पुरुष दिजन जग भीतर जो आत्मा अच्छे से आत्मा अच्छे पुरुष अटे। ए समय रे आत्मा उत्तम बनुछे, सेतिपे संगम रा ना कोटे पुरुषोत्तम संगम जग। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसी को भी पता नहीं है, ये तो संगम का युग है। बाबा को जन दुनिया वाला को तो जाना का नहीं, यदि जाना था तले कौन कर था पुरुषार्थ करी था ना। इटा कलि युगर अंत अटे, सत्य युग दुनिया आसवार अच्छे। भगवान थर अपृष्ट को अवतरित हो सारे निश्चित रूप से पुरुषार्थ कर था। तले संगम रो पहचान दवा तार महत्व कहवा यहाँ कार कर्तव्य अटे आम पिला मान कर। तो बाबा की किसके ख्याल में भी नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम का युग कब आता है। अभी तो बाबा आया हुआ है, वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाबा वर्तमान आसीगले, बाबार महिमा कोटा से मनुष्य सृष्टि रूपक कल्प वृक्षर बीज स्वरूप अटंते, उनकी ही इतनी महिमा है। तले बाबार महिमा कत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबार महिमा कोटा शांतिर सागर आउ आनंदर सागर, पतित पावन दुख हर्ता सुख कर्ता, भव सागर पार करिया वाला से नावरिया मध्य अटंते, सर्जन अटंते, साजन अटंते, ये सब से महिमा कर शिव बाबा अटे। तो बाबा कहे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन ज्ञान से ही सदगति करता है। ज्ञान सागर बाबा अटंते, बाबा जितने आसुचंते पिला मन को ज्ञान दौंते, ज्ञान द्वारा ही सदगति हो जे। तो बाबा के ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति होती है, कभी कहिबा कि अधा कल्प धर की भक्ति कले का को सदगति मिली ला मिले लाने। तो ज्ञान से सदगति होती है और सतगति है ही सत्युग में। तले सदगति कोठे मिले वह सत्य युग दुनिया रे। तो बाबा कहे तो जाकर कलयुग का अंत सत्युग की आदि के संगम पर आएंगे ना। यदि बाबा आसुचंते सदगतिर संपत्ति दबा पाए तले बाबा को समय रे आसीबे। यदि सत्य युग दुनिया रे सतगति थिला तले बाबा सदगति केतेबेले देबे, कलि युगर अंत सत्य युगर आरंभर मध्य समय रे। तो कितना क्लियर कर बाबा समझाते, नहीं भी आते हैं हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं आते ही रहते हैं।
राजधानी ऐसे ही स्थापना होती है। बाबा कुछ नुआ मान आसुचंते जमती कल्प पूर्वर आसी से प्रकार आसवे जमती कल्प पूर्वर सत्ययुगर राजधानी स्थापना होता एवं से प्रकार हम। तुम बच्चों को मालूम है ना हम खुदाई खिदमत गार सच्चे सच्चे ठेरे। कते बड़ टाइटल अठ ना ना भगवान कर सहयोगी खुदा कर खिदमत गार माने सहयोगी राइट हैंड अटंते सच्चा सच्चा अटंते। तो बाबा की एक को थोड़ी पढ़ाएंगे बाबा कौन जन को पाठ पढ़ाऊंट बाबा के जन पाठ पढ़ेल समस्त। तो बाबा के एक पढ़ते फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को भी पढ़ाते हो। शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम रे पढ़ाऊंट प्रथम शुणुंत किए ब्रह्मा बाबा शुणिले आम बाबा द्वारा शुणुंत अन्य मान को पढ़ाऊंत। तो बाबा की इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोली पड़ती है सारा यूनिवर्स पे सारा विश्वर आत्मा पे बाबा इस समय रे यूनिवर्सिटी खोली चंते। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है भी नहीं पूरा विश्व पे कॉलेज अच्छी कि गोटे कॉलेज कोठी भी ना। तो बाबा के ना कोई देवता में दुनिया में जानता है कि ईश्वरी यूनिवर्सिटी भी होती है। बाबा को जो दुनिया रे का को जाना भी नहीं ईश्वर परमात्मा आसुचंते एमती कर यूनिवर्सिटी को खोलुचंते। अभी तो तुम बच्चे जानते ही हो ना गीता का भगवान शिव है आकर यह यूनिवर्सिटी खोलता है। ताले कॉलेज किए खोलुचंते गीतार भगवान शिव बाबा नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। ये पाठ पढ़ुचंते नुआ दुनिया को जीवापी देवी देवता बनवापी। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है फिर उनको ही सतो प्रधान बनना है। जो आत्मा मैने जन्म मृत्युर बंधन रे आसिके तमो प्रधान पतित बनीगले से मान को बाबा पुणी थरे सतो प्रधान बनाऊंते। इस समय तो सब तमो प्रधान है भले कोई कुमार भी पवित्र रहते कुमारियां भी पवित्र रहती है सन्यासी भी पवित्र रहते परंतु परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। आजकल कुमार माने भी पवित्र रहते कुमारी माने भी पवित्र रहते ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते सन्यासी माने भी पवित्र रहते किंतु आज कालीर से पवित्रता ना वो पवित्रता ना जमती बाबा बनाऊंट पूरा मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता दृष्टि वृत्ति कृति पूरा पवित्र हवा दरकार। व्यर्थ संकल्प चलिबा एटा भी अपवित्रता अटे। तो दुनिया रे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कले किंतु मनसा रे व्यर्थ अच्छे ना नहीं व्यर्थ संकल्प चालू छे का दृष्टि रे संपूर्ण पवित्रता नहीं। तो बाबा को आजिकल से पवित्रता नहीं पहले पहले जब आत्माएं आती है वो पवित्र रहती है। जितने प्रथमे प्रथमे परमधाम आत्मा मैंने आसले से मैंने संपूर्ण पवित्र थिले फिर तो अपवित्र बन जाती है क्योंकि तुम जानते ही हो ना सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना ही होता है। प्रत्येक आत्मा मैंने जो मैंने पवित्र सतो प्रधान अवस्था रे थिले से मैंने कालचक्र भर आसिके सतो प्रधान रु सतो रजो तमो प्रधान तो बनवार अच्छे अंत में सब तमो प्रधान बन जाते। अभी बाबा सन्मुख बैठकर समझाते यह झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। वर्तमान पूरा वृक्ष तमो प्रधान अवस्था अच्छे जीर्ण शीर्ण अवस्था रे अच्छे। तो बाबा के अभी तो बाबा सन्मुख बैठकर समझाता है
पुराना हो गया है तो जरूर उनका विनाश होना चाहिए। जदि सृष्टि पुराना ही गला सत्ययुग को आनिबार अच्छे तले पुराना दुनिया रा विनाश पे दरकार। ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसलिए कहते विराट लीला है। बाबा कले वृक्षों को प्रकार अटे वैरायटी धर्मों रो वृक्ष अटे। आज बाबा तार ना कौन दले विराट लीला चले एत्ते बड़ स्टेज एत्ते सारा धर्म एत्ते सारा अभिनेता माने तो बाबा की कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वो तो जड़ झाड़ होता, जो बीज डालो वो झाड़ निकलता है। यह तो फिर वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है। जमिति दुनिया रे मध्य मंजी पोतुचंते ता भीतर गच्छ उत्पत्ति होचे। से गच्छ रे गोटे प्रकार पत्र रोचे गोटे प्रकार फूल रोचे, किंतु एक कल्प वृक्ष रे विशेषता कोटे अनेक धर्म वाला अच्छे। तो बाबा की तो वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र है। हे सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता। समस्ते मनुष्य का अच्छे, किंतु से मनुष्य भीतर विभिन्न वैरायटी अच्छे, तो से बाबा को ना दले विराट लीला। सब धर्म कैसे नंबर वार आते ये तो तुम ही जानते हो। प्रत्येक धर्म वाला परम नाम रो केमते नंबर वार आसुचंते तार ज्ञान मध्य का पाखरे अच्छे, आम पिला मान का पाखरे। प्रथमे को धर्म वाला आसिले किए आसिले प्रथम देवी देवता धर्म वाला, तापरे तापरे इस्लामी माने आसिले, तापरे बौद्ध और ख्रिस्टियन। तो बाबा की सबको जाना ही फिराना है। जब सृष्टिर अंत समय आसीगला प्रत्येक आत्मा मन को घर को जीवार अच्छे, समस्ते मिसिकी जीवे किंतु आसवे नंबर वार। यह ड्रामा बना हुआ है, हे भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। बाबा के लिए ड्रामा हो चे कुदरती ड्रामा, इतने छोटो आत्मा इतने छोटो परमात्मा भीतर कितने सब पाठ भरा है क्या अच्छे सुनिल आश्चर्य लगुच ना नहीं। तो बाबा कहे आत्मा को परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वो सुप्रीम बाप है। परमात्मा की अटंते प्रत्येक आत्मा मन कर पिता अटंते। बच्चे जानते आत्मा ही सारा पाठ बजाती है, मनुष्य तो यह नहीं जानते हैं ना। आमको जाना अच्छे शरीर द्वारा अभिनय किए कुछ आत्मा का कुछ, किंतु मनुष्य मैंने जान चाहते कि वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। दुनिया रे कहते आत्मा निर्लेपट, आत्मा को किसी लेप छेप लागो, किंतु बाबा को जो संपूर्ण भूल अटे। यह तो बड़े बड़े अक्षर में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। बाबा के लिए बड़ा बड़ा अक्षर लिखी दियो, कौन लिखेगा आत्मा निर्लेप नुह। जहाँ भी कर्म करते तार संस्कार का भीतर रोज आत्मा भीतर है। तो आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे बा बुरे कर्म करती है ऐसा ही तो वो फल पाती है ना। शरीर तो संस्कार कर दले विनाश से गला, किंतु जहाँ कर्म कले भल कर्म करते कि खराब कर्म करते तार फल किए भोग करछे आत्मा का करछे। तो बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो। जित भ्रष्ट कर्म कला खराब कर्म कला संस्कार मध्य खराब हो गला पतित बनी गले। पतित हवा कारण रो देवी देवता मूर्ति सामने जाके से मानकर महिमा गाउछन्ते। अभी तो तुमको 84 जन्मों का
पता पड़ गया है ना, कोई भी मनुष्य नहीं जानता है। आत्मा केमती 84 जन्मर चक्र रे आसुचे सबुजाक रहस्य हमको जना पड़गला। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो केते क्या शास्त्र सब झूठे है। जितना में पिला मने 84 जन्म को सिद्ध करके सुनाउछन्ते से मने कौन कहते शास्त्र पुराण कौन मिथ्या कि शास्त्र रे कौन लिखा है। क्योंकि सुना है ना मनुष्य 84 लाख योनिया लेते। शास्त्र पुराण रे अच्छे मनीष 84 लक्ष योनि रे आसुचे। अभी बाबा बैठकर समझा दे वास्तव में सर्व शास्त्र मई शिरोमणि तो हे ही गीता। सबुजाक शास्त्र रो शिरोमणि कोटा गीता शास्त्र अटे। सच्चा गीता वर्तमान बाबा सुनाउछन्ते भगवान उबाच आमे सुनाउछन्ते। तले भगवान मिछ कहबे के कहबे ने तो बाबा अभी हमको राज योग सिखला रहा है जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। बाबा सीखे 5000 वर्ष पूर्वरु जेमिति राजयोग सीखे थे एवं मध्य से प्रकार सिखाउछन्ते। तुम जानते हो ना हम ही तो पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। हम ही पवित्र थिले, गृहस्थ धर्म भी पवित्र थिला। अभी इनको धर्म तो नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं। एबे कहिबा कि धर्म वाले प्रत्येक गृहस्थ पवित्र धर्म कहिबा कहिबा ने कौन पे कहिबा ने समस्ते विकारी बने गले। इस खेल को तुम बच्चे ही समझ गए हो। ये तो बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके। बाबा के लिए खेल हो चे 5000 वर्ष रा खेल। 5000 वर्ष को थरे आर पुनरावृत्ति हो चे। लक्ष लक्ष वर्षर खेल ताको तो किए भी मन रखी पारे ने। तो बाबा की यह तो जैसे कल की बात है ना, स्वर्ग दुनिया के भी थिला बाबा को जन कालिया का थिला। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो और कल शिवालय में होंगे। तो बाबा के लिए आत्मा मने शिवालय रे थिले एबे कोठे अछन्ते वैश्यालय रे अछन्ते आउ थरे कले शिवालय रे थिबा। तो सत्य को कहा जाता शिवालय है। सत्य युग रो ना होचे कोटे शिवालय। तले शिव बाबा तो सत्य युग रे आसुनांदे ताको शिवालय कौन पे कोचंत कौन पे कोचंत शिव बाबा स्थापना करचंत। तो बाबा के त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इसको कहा जाता रावण का राज्य है। तुम तो आधा कलप पतित बने, अब बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तो बाबा कुछ नाम पिला मने अधा कल्प धर के केमते थिले पतित अवस्था रे थिले। एबे बाबा संगम जुगरे पिला मन को डायरेक्शन दोचंते जे घर गृहस्थ भितरे रुह किंतु पद्म फूल समान पवित्र बने के देखाओ। तो कुमार और कुमारियां तो हे ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है। बाबा के लिए जो मैंने गृहस्थ से मैंने पवित्र रहिवार मेहनत कर और जो मैंने कुमार कुमारी से मन को परिश्रम करेंगे गृहस्थी न बनने पाए। तो बाबा के ऐसे गृहस्थी में फिर जाना नहीं है। जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। यदि कुमार कुमारी आउथरे गृहस्थ धर्म को जीवे आउथरे पुरुषार्थ करने को पड़ेब को पुरुषार्थ करने को पड़ेब पवित्र बनिया पाए। तो भगवान वाच है कि पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। भगवान ही ठीक कहते गोटे जन्म केमिति भी पवित्र हो।
ताले बाबार कथा को मानिबा ना मानिबानी मानिबा दरकार। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। बाबा कहले भले घर गृहस्थ भितर रुह जो जीवन को केमते बनाइबा पद्म फूल समान संपूर्ण पवित्र। फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो। बाबा कहले मात पिता जदि पुरुषार्थ करते गृहस्थ भितर रही कि पवित्र हवा पाए तो बाबा से गृहस्थी मान को कौन निज पिला मान को पतित बनिया पे कौन पे कौच माँ बापा पवित्र थिले भी पिला मान को कौन कौचते शादी कर दियो विवाह कर दियो तार अर्थ कौटा पतित बनिया पे कहले ना। तो बाबा की जबकि बाबा 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाता है। बाबा पूरा 21 जन्म पर्यंत पतित हवार हमको बचाते। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। आजिकल पिला मन को विवाह करोचन कोथे पे लोक माने कौन कहिबे कूल कौन कहिबे। बाबा कहले ए जो मार्ग रे कूलर मर्यादा को हमको छाड़िया को पड़ुछे लोक लाज को मध्य छाड़िया को पड़ुछे। तो बाबा की तो बेहद की बात हो जाती है। तो बैचुलर तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। दुनिया रे मध्य ब्रह्मचर्य व्रत वाला बहुत कुमार कुमारी अच्छे किंतु पति तो दुनिया भितर निरापद रहिबा बहुत कष्ट अटे। कौन पे संग भी तो सेमती मिलबार अच्छे ना। तो बाबा के फिर भी रावण राज्य में तो रहते हैं और विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते। फिर तो पिछाड़ी में कर लेते कॉम्पेनियनशिप के लिए जमती फॉरेन रे विलायत रे मनुष्य मैंने विवाह करना किंतु जो बार्धक्य अवस्था रे पहुँच जाते से मैंने साथीपाई कौन करवाह कर क्रिमिनल आय से नहीं करते हैं विकारी दृष्टि द्वारा विवाह करना ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे कर जाते हैं। बाबा कहले एमती दुनिया रे बहुत जन अच्छ जो मैंने कि जो मैंने कौन करछन विवाह करूनांते किंतु लास्ट को से मैंने विवाह करछन से मानकर संभाल भी करछन जे तो शरीर छाड़ दौंते से मैंने कौन करेंगे निज स्त्री को सब जाक दे कि जाऊंते आ कि धर्म काम लगौंते। तो बाबा के कुछ धर्माओ लगा देते हैं ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। तो विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होता है जो फिर यहाँ भी मदद करते से विलायत रे फॉरेन कंट्री रे एमती बड़ बड़ सब ट्रस्ट रोच से ट्रस्ट कौन करछे समस्त सहाय करते। तो बाबा के यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को मदद करे। भारत रे एमती कर ट्रस्ट नहीं जो फॉरेन कंट्री वाला को सहाय करेंगे। यहाँ तो गरीब लोग है क्या मदद करेंगे। बाबा कृष्ण भारत रे बहुत गरीब अच्छे से मैंने कौन मदद करेंगे। वहाँ तो उनके पास पैसे बहुत है और भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत हो गया है। बाबा के लिए भारत वर्तमान केमिति कर अवस्था है जो भारत सत्ययुग रे केमते थिला केमते थिला। बाबा के भारत कितना सिरताज था कल की बात है ना। सबुठ समृद्धिशाली थिला धनशाली थिला। तो बाबा कृष्ण कालिया का थिला ना खुद भी कहते 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। जीसस क्राइस्ट कर 3000 वर्ष पूर्वरु ये धरापृष्ठ रे स्वर्ग थिला एटा मध्य मानुछन्ते। तो बाबा की बाबा ही तो बनाता। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आता है पतितों को पावन बनाने। हमको जना अच्छे बाबा केमते ऊपर तल को आस कौन पे आसते पतित मन को पावन बनवाई। वो तो है ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता अर्थात सबको पावन बनाने वाला।
तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में आता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। तले बाबा पावन बने आप उठे पतित दुनिया रे और पतित शरीर भीतर है। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो। हमें सब आत्मा मैंने जो संपूर्ण पवित्र बने जीवा तापर कौटी आसी जीवा पवित्र दुनिया रे बहुत सुख उठाते हो ना फिर रावण राज्य में गिरते हो। जिता सत्य युग को जीवा संपूर्ण सुखी ही जीवा किंतु तापर धीरे धीरे रावण राजत्व आरंभ हो जीव भले गाते तो है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है शांति का भी सागर है तो पति तो पावन है परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी जानते नहीं है। से परमात्मा कर महिमा गाउचन से ज्ञानर सागर अटंते पतित पावन अटंते शांतिर सागर अटंते किंतु परमात्मा को समय आसुचंते संगम रका को परिचय करना। तो बाबा के तुम तो मेरी महिमा करते हो अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। अधा कल्प धर के जार महिमा करते से भगवान निजे आसुचंते निजे निजर परिचय दौंते। तो मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम पर आता हूँ कैसे आता हूँ वो भी तो समझाता हूँ ना। चित्र भी है बाबा तो आसुचंते किंतु केमिते आसुचंते एटा भी बाबा बुझौंते। बाबा तो निराकार अटंते तो आसुचंते केमते ब्रह्मा बाबार रथ रे। तो ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता। जितने शिव बाबा प्रवेश करले ब्रह्मा बाबा कौटी थे साकार सृष्टि भितरे थे सूक्ष्म वतन रे नथिले। ब्रह्मा यहाँ है तो ब्राह्मण भी यहाँ ही है। जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता जिसका फिर सिजरा बनता है। ब्रह्मा बाबा एठी अछंते ब्राह्मण माने भी एठी अछंते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा रही वंशावली बनुछंते। तो बाबा की मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा। पूरा मनुष्य सृष्टिर वंशावली का द्वारा चलुचे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा। आदि पिता के ही गले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा भी तो होगी। कुक वंशावली तो हो ना सके इतने सब प्रजा मन को रचना केमती हम कुख द्वारा तो संभव है का नहीं। तो बाबा की मुख वंशावली है बाबा एडॉप्ट करता है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। हमें बाबार संतान केमती हेले बाबा को पोष्य बनेले का द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा। अभी तो तुम ब्राह्मण बने हो फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण फिर ब्राह्मण से देवता ये बाजोली का खेल है। पूर्वर शूद्र थिले एबे ब्राह्मण ही चंदे। ब्राह्मण मान को लक्ष्य कोटा मिलीगला देवी देवता बनिया पे बाबा कुछ नहीं टाउची बाजोली रा खेलाते। विराट रूप का भी तो चित्र है ना वहाँ से सबको यहाँ आना जरूर है। विराट रूप पर बर्ण को देखे चंदे ना मुख को कोट रूप पर देखे चंदे देवता रूप पर बाहु को क्षेत्रीय आ वैश्य कोटे देखाई पेटरे शूद्र हो पादट ब्राह्मण कोटे चोटीअट। तो बाबा कहले शूद्र रु देवता बनी पारिबा शूद्र रु प्रथमे कौन बनिबा ब्राह्मण बनिबा ब्राह्मण पर देवता। तो बाबा कहे वहाँ से सबको यहाँ आना ही जरूर। जब सब आ जाते तो क्रिएटर भी आ जाता है।
जितने आत्मा मान परमधाम समस्ते तल को ओह्ल पड़े सृष्टिर रचयिता तल को आसी जाते वो क्रिएटर है डायरेक्टर है तो एक्ट भी करता है। बाबा सृष्टिर रचयिता अटंते नुआ करके बाबा किंतु बाबा को रचयिता कौन पे कहले सत्ययुग को बाबा तैयारी कर ए संगम रो समय रे बाबा डायरेक्शन दौंते श्रेष्ठ कर्म करने बाबा ए समय सबुठ बड़ एक्ट करोटा पतित मान को पावन बनवा समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति दबार तो बाबा कहते हे आत्माए तुम मुझे जानते हो तुम आत्माए मेरे सब बच्चे हो। प्रत्येक आत्मा मान कार संतान शिव बाबार संतान तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया फिर तो 84 जन्मों के बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। बाबा पिला मन को मने पकोचन आम सब प्रथम कौटे थे सत्ययुग थे भल रूप से सुखर पाठ को प्ले कले 84 जन्म भितर आसिले वर्तमान सबुठ दुखी पतित बनीगले तो बाबा के ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं ना ये तो बेहद का ड्रामा है। जमी दुनिया रो ड्रामा रे क्रिएटर रोचंदे डायरेक्टर रोचंदे प्रोड्यूसर रोचंदे तो सेमती बेहद रो ड्रामा रे क्रिएटर के बाबा अटंते तो बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। एत बड़ स्टेज एत सारा अभिनेता मैंने अभिनय करते क्या जना अच्छे कि जना नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई है। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों यह सब भक्ति मार्ग का शास्त्र है। आज बाबा मीठा मीठा पिला मन को बुझौछ कौन बुझेले जहाँ भी शास्त्र पुराण सब पढ़ी शुनी सब भक्ति मार्ग अटे तो भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है इतनी छोटी बीज से झाड़ अथवा अतः फैल जाता है। इतनी छोटो मंजी उतारू कितने बड़े वृक्षर उत्पत्ति हो छे। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाबा के लिए भक्ति होची विस्तार अटे तापे बहुत प्रकार सामग्री दरकार किंतु ज्ञान कौन अटे मंजी समान अटे तापे कौन सी सामग्री रो आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो कोई व्रत नेम तो नहीं है ना। बाबा कुछ निज को आत्मा बोली भाव शिव बाबा को मने पकाओ एथेरे कौन से व्रत नेम तो करू नाते ये सब बंद हो जाता है। बाबा कहले जहाँ भक्ति रे करूले सत्ययुग को जीव कि सब बंद हो जीव तुमको सदगति मिल जाएगी फिर कोई बात की दरकार ही नहीं है। आत्मा सुखी है गला सदगति मिली गला तले भक्ति करवा भी किसी आवश्यकता नहीं। तुमने तो बहुत भक्ति की है सबुठ पुराणा भक्त को मन आम पिला मैंने अधा गल्पधर की भक्ति करते उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। बाबा कहले से भक्तिर फल दबापाई कि आसते बाबा आसीगले देवताएं शिवालय में थे ना तब तो मंदिरों में जाकर उनकी महिमा भी गाते हो। अब बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। क्या समझाया था बाबा अपने को आत्मा समझो। आज बाबा कुछ मोर मीठा मीठा पिला मैंने 5000 वर्ष पूर्वर मध्य मुमि बुझे कौन बुझे बाबा निज को आत्मा निश्चित कर देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाबा को याद करो इस योग अग्नि से तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा। बाबा के लिए देह सहित देह सबुजक संबंध को बुद्धि रे छाड़ के एक बाबा को मने पकाओ
ये जोगोचे अग्नि समान अटे ये अग्नि रे जन्म जन्मांतर सबुजाक पाप विनाश हो जीव बाबा जो कुछ अभी समझाते कलप कलप समझाते हैं गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छा है। वर्तमान जब बाबा गीता सुनोचंते सच्चा गीता तार यादगार शास्त्र जोटा द्वापर टू बनी के आसीचे बाबा के लिए से भी किसी भल भल शब्द अच्छे कहती सत्य अच्छे अटारे लुण समान तो बाबा के मनमना भव अर्थात मुझे याद करो। तो शिव बाबा कहते मैं यहाँ पर आया हूँ किसके तन में आता हूँ वो भी तो बताता हूँ ना। बाबा को चुम तो निराकार अटे ये धरा पृष्ठ को आसुचे किंतु कहा भीतर बाबा आसुचे एटा भी बाबा सुनाऊंते ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। ब्रह्मा का हाथ रे कौन देखे चंते शास्त्र पुराण को देखे चंते शिव बाबा ब्रह्मा को मुख द्वारा सबुजाक शास्त्र पुराण रो सार को सुनाउंते चित्र भी दिखाते परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तो तुम समझते हो ना शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्र आदि का सार सुनाते 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ श्री कृष्णकर बहु जन्मर लास्ट जन्मर अंत समय के आसते शिव बाबा आसते या फिर पहले नंबर का प्रिंस बनता है फिर 84 जन्म में आता है। ब्रह्मा बाबा लास्ट रे तब फर्स्ट जन्म कोटा श्री कृष्णकर अटे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुक्षसा राजे बाबा कौन कहले मुल्ले मन रहे समस्त कौन कह बाबा जे बाप भाई आज बाबा डायरेक्शन देले जो मैंने गृहस्थ भितर अच्छे पद्म फूल समान पवित्र बनवर मेहनत करेंगे जो मैंने कुमार कुमारी अच्छे से मैंने को मेहनत करेंगे पतित न बनवाई। राज बाबा ने कहा इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाबा की बात माननी है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। राजे बाबा के लिए रावण राज्य भीतर रही के पतित लोक लाज कुलर मर्यादा को छाड़ बेहद्र बाबार कथा को मानवार अच्छे को कथा को मानवा गृहस्थ भीतर रही के पद्म फूल समान पवित्र बनवाई इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह से समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है अच्छे बुरे कर्म करती है तो उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करना है। राजी बाबा के लिए एटा होचे वैरायटी विराट लीला चली छे लीला को भलो रूप रे बुझीबार अछ अभिनय के करछे आत्मा शरीर माध्यम रे करछ भल कर्म करचोंते कि खराब कर्म करचोंते तार फल मध्य भोग के करिवो आत्मा का करिवो। तो बाबा के लिए आत्मा निर्लेप नुह बाबा के लिए सिद्ध करके कह जहाँ कर्म करचोंते तार लेप छेप का को लागुचे आत्मा को लागुचे इस राज को समझ कर श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा के लिए रहस्य को भल रूप रे बुझ और श्रेष्ठ कर्म कर। आजर वरदान बाबा के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले
शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। हजी बाबा आशीर्वाद लेको आशीर्वाद मिलला। शुभ भावना शुभ कामना धारी बनी जाओ। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने के, सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है। ईश्वरीय जन्म तो मिली गला, ईश्वरीय संतान बनी गले, किंतु एबे पर्यंत विभिन्न प्रकार संस्कार देखा जाउछ। का भितरे पिला मान का भितरे को संस्कार कथा बाबा कहले टिके के कौन कहले फीलिंग रे आछंते सेटा भी संस्कार होछे। काठू किनारा करछंते पर चिंतन करछंते ताकु सुनुछंते बाबा कहले विभिन्न प्रकार संस्कार अटे। जिने कह देते हो क्या करे मेरे ये संस्कार है। जड़े जदि आमको इशारा दौचे से कौन कहते मु कौन करी एटा मोर संस्कार बनी जाए। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। जो मोर बोले कहते ये मोर शब्द ही आमको पुरुषार्थ रे ढीला कर दौचे। ये रावण की चीज है मेरी नहीं है। ये सब जाक संस्कार कार अटे रावण रटे मोर नाय। लेकिन जो बाबा का संस्कार है वही ब्राह्मणों का ओरिजिनल संस्कार है। जोटा बाबार संस्कार अटे सेटा ब्राह्मण मानकर ओरिजिनल संस्कार अटे। वो संस्कार क्या है ताले बाबार संस्कार कोटा बाबार संस्कार कोटा जोटा में निजर बनेबा से संस्कार कोटा बाबा के विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतन धारी। बाबार संस्कार होचे विश्वर कल्याणकारी आ प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ चिंतन धारी। सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी बनना। ताले बाबार संस्कार को निजर संस्कार बनेबा ताले बाबा समान विश्व कल्याणकारी हवा और समस्त प्रति शुभ कामना शुभ भावना धारी बनेबा। आज स्लोगान जिनमें समर्थी है वही सर्व खजानों के अधिकारी बनते हैं। आज बाबा के लिए जा भितरे समर्थी अच्छे समर्थर अर्थ कौटे समर्थी के तले आसब जित स्वराज्य अधिकारी बने मु आत्मा जित प्रत्येक कर्मेन्द्रिय मालिक ही जीवे मोर कनेक्शन का सहित तो जोड़ब बाबा से तो जोड़ब बाबा तो सर्वशक्तिमान अटंते। बाबा से तो संबंध जोड़े बाबा ठार सबूक शक्तिर खजना आमर हो जाए। बाबा कौन कहले समर्थी वो है वो सर्वशक्तियों का खजानों का अधिकारी बनता है। ताले पूरा अभ्यास कौथिपाई कर मु आत्मा अटे पूरा कर्मेन्द्रियर मालिक अटे। आज सोमान हो छे मैं समर्थी आत्मा हूँ। सार थिला तुम्हें बाबा समान खुदाई खिदमत गार बनना है। संगम पर बाबा आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। भगवान आसते आम पिला मन कर सेवा करते आम पिला मन कौन कर से परमात्मा कर खुदा कर आम खिदमत गार बन बाबार सेवक बनवा बाबार सेवारे निजर सर्वस्व को समर्पित कर दो। बाबार राइट हैंड बनी कि चल अव्यक्ति सारा आज पॉइंट हो छे कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा नहीं अनुभव करेगा। बाबा कुछ केबे भी न्याय मागिबा वाला बनन केतळे केमदे पिल्ला माने कौन कहते मो से तो न्याय हवा दरकार तो यहाँ भी मांगना है गला। तो बाबा कहले कौनसी प्रकार मागिबार इच्छा रखन जदि इच्छा रखुच से मानक संतुष्ट आत्मा तृप्त आत्मा बोली कहा जीवन महादानी भिकारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकता है। हमें महादानी आत्मा अटंते
आम के भिकारी मानक गोटे नुआ पैसा नवार इच्छा रखा जदि एटा भी इच्छा रखुचे मो सहित तो न्याय हवा दरकार एटा भी कौन है मागिबार इच्छा रखिदेले यह बदले तो यह करे यह कुछ सहयोग दे कदम आगे बढ़ावे ऐसे संकल्प ऐसे सहयोग की भावना पर वस शक्तिहीन भिकारी आत्मा से क्या रख सकते हैं। हमें भावुंत ना केत केमती से बदलें भल था से किसी सहयोग दे भल था से आग को बढ़िले भल था एमतीकर संकल्प कले सहयोगर भावना भी रखिले यटा भी परवश अटे शक्तिहीन अवस्था अटे। आम महादानी आत्मा मान भिकारी मानक कौन सी आशा रखिपर जदि रखुचा भी मागवा सामान अटे। ओम शांति।